अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बैक विद नबी के। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो है न्यूज़ अपडेट के बारे में। और आज की जो न्यूज़ अपडेट है वो ये है कि होंडा का जो CD70 है उसका 2023 मॉडल पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया गया है। इससे पहले जो होंडा ने बाइक लॉन्च किया था वो था होंडा सिविक 125F। होंडा सिविक 125F का 2023 मॉडल लॉन्च किया था पहले, और उसके बाद अब होंडा CD70 का नया मॉडल लॉन्च कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इसके बाद ये लॉन्च करेंगे होंडा CG125 का, और इसी तरह सो ऑन बाकी बाइक्स का। तो होंडा CD70 का नया मॉडल आ चुका है और उसकी पिक्चर मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो बिना वेस्ट के बाइक की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, मुलाजा फरमाए, होंडा CD70 2023 मॉडल, ये बाइक अभी सिर्फ रेड कलर के अंदर इसकी पिक्चर मौसूल हुई है। जैसे ही दूसरी पिक्चर्स भी मिलेंगी तो वो भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा। अभी पहले आप देख लें इसका रेड कलर। रेड कलर के अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो मेन चेंजिंग आपको नज़र आ रही है, एज़ यूजुअल जिस तरह होंडा अपने तमाम बाइक्स के साथ करता है, बेशक वो CD70 हो, बेशक वो होंडा CB150F हो, तमाम बाइक्स के अंदर होंडा ये करता है कि ग्राफिक्स जो है उसको चेंज कर देता है, और पुराने मॉडल से नए मॉडल में जो फ़र्क आ जाता है वो सिर्फ ग्राफिक्स का आ जाता है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं। अभी तक होंडा CD70 2023 मॉडल में और 2022 मॉडल में यही फ़र्क ही होगा। अभी तक जो फ़र्क पता लगा है वो यही है कि ग्राफिक्स का है इस बाइक में और इससे पुराने वाले मॉडल में। इसके आप ग्राफिक्स देख सकते हैं कि इस बाइक के ग्राफिक्स के अंदर आपको डिफरेंट कलर्स मिल रहे हैं, जिसमें एक तो इस बाइक के अंदर आपको सिल्वर कलर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, इसके अलावा इसके अंदर आपको ग्रीन कलर, येलो कलर, और इसी तरह आपको यही सेम कलर्स साइड कवर्स के ऊपर भी मिल रहे हैं। तो अभी ये बेसिकली ये बाइक रेड कलर की बॉडी के अंदर है। इसके दूसरे कलर्स भी होंगे, जब दूसरे कलर्स आएंगे तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। ये बाइक अभी रिसेंटली पाकिस्तान में लॉन्च किया गया है, तो शोरूम पे ये अभी अवेलेबल नहीं होगा। ये कुछ दिन तक शोरूम पे भी अवेलेबल हो जाएगा, और इंशाल्लाह जैसे शोरूम पे आएगा तो आप सबके लिए इसका एक फुल रिव्यू लेकर आऊँगा, और उस रिव्यू के अंदर हम इस बाइक को डिटेल में डिस्कस करेंगे, और उसमें मैं आपको बताऊँगा कि इस बाइक के अंदर चेंजेस क्या क्या आई हैं। अभी का जो चेंजेस का पता लगा है वो यही है कि इसके जो ग्राफिक्स हैं वो सिर्फ चेंज किए गए हैं, बाकी जो इस बाइक का डिज़ाइन है वो सेम टू सेम पुराने मॉडल जैसा है। इसके अलावा आपके पास जो इंजन है उसके अंदर भी कोई चेंजिंग नहीं की गई, इंजन सेम टू सेम आपको पुराने मॉडल जैसे मिल रहा है। इसमें बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कुछ सेम है सिवाय ग्राफिक्स के, जो ग्राफिक्स हैं वो चेंज कर दिए गए हैं। अब अगर इस बाइक की प्राइस की बात कर ली जाए तो होंडा CD70 2022 मॉडल की जो अभी लेटेस्ट प्राइस चल रही है वो है 1,16,500 रुपये, 1,16,500 रुपीज़ इस बाइक की अभी लेटेस्ट प्राइस चल रही है। और अगस्त का महीना ख़त्म होने वाला है, उम्मीद है सितंबर जब स्टार्ट होगा तब इसका, जब इस बाइक की नहीं इसके तमाम मॉडल्स की जो न्यू प्राइस है वो आ जाएगी। होंडा फिर अपनी प्राइस को चेंज करेगा, फिर उसके बाद यामाहा, सुजुकी। वैसे अभी कुछ महीने से तो ये चल रहा है कि पहले यामा चेंज करता है, होंडा प्राइस चेंज करता है, फिर सुजुकी प्राइस चेंज करता है। तो इसी तरह अगले महीने हो सकता है कि इनकी प्राइस जो हैं वो चेंज हो जाएँ। अभी की लेटेस्ट प्राइस मैंने आपको बता दी है 1,16,500, और 2023 मॉडल जो है उसकी प्राइस भी अभी आपको यही मिलेगी, उसकी प्राइस आपको चेंज नहीं मिलेगी। सो गाइस, ये थी आज की न्यूज़ अपडेट, और उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और मेरे चैनल को बाकी मैंने को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।